नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता का तख्तापलट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो फैसला किया, उसने देश की राजनीति में एक नई सनसनी फैला दी। जी हाँ, 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद और सरकार चलाती रही, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में 2024 में लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, ऐसे में जननायक जनता पार्टी को यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान एक भी सीट देने को तैयार नहीं नजर आ रहा था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2 सीटों की मांग करती नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा को ये बात नागवार गुजरी और ऐसे में उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला तक कर लिया। जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक में फैसला किया गया कि अब आगामी वक्त में जो सरकार के 6 महीने बाकी हैं, ये अकेले दम पर या कुछ अन्य निर्दलीय सहयोगियों के दम पर सरकार चलाई जाएगी। लेकिन ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला ने ये दावा ठोकते हुए कहा है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अब वो भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते हैं। बीजेपी जिस रणनीति को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही थी, उस पर अब दुष्यंत चौटाला चोट पहुंचाने की स्थिति में आ गए हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात करते नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, सुनिए जरा। अब लोकसभा चुनाव की बता दिया है कि जनता 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी, इस तरह की तैयारी। पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत मिसाद भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का निर्धार करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़ कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर। आपने सुना यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 सीटें प्रमुखता के साथ लड़ रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट, और इसके साथ साथ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां। यानी कि जो दुष्यंत सिंह चौटाला 26 साल की उम्र में हिसार से सांसद बनकर आए थे, एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। उनके सामने होंगे उन्हीं के परिवार के दादा रणजीत चौटाला, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहां पार्टी के फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को जिस तरीके से जो कुरुक्षेत्र के सांसद थे उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया है। मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में करनाल सीट से उतार दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम दिग्गज नेताओं की यहाँ पर अनदेखी की है जिनको मुख्यमंत्री बनने का यहाँ पर सपना दिखाई दे रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, प्रोफेसर रामविलास शर्मा और इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की। जी हाँ, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरे पास 15 विधायक हैं, दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले ये तक नहीं पूछा कि आखिरकार किस तरीके से फैसला लिया जाना है, जबकि वही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से पहले इन दिग्गज नेताओं की सलाह मशविरा करता है, तो आखिरकार फिर हमें दरकिनार क्यों किया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जिस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही थी और सीएम नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की जा रही थी, उस वक्त काफी गुस्से में दिखाई दिए और वह उस बैठक से बाहर निकलकर चले गए। बाहर आते ही उन्होंने कहा कि यह फैसला मेरे लिए एक बमशेल जैसा था जिसमें मेरे ऊपर अटैक किया गया और मेरी सत्ता को इससे नुकसान हुआ है।
देखिए यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, सुनिए जरा। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मुझे तो दिस केम एज ए बम शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद ही विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी? तो तभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीएडीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़ी छेड़ विशाखा जी, चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है। नीचे कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से आप शामिल हो रहे हैं? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जीपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ मुझे नहीं जानकारी। विश्व ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गदावर नेता, यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री, आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, जो ये चर्चाएं हैं कि देखो मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्ट बात हूँ, और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चाएं ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे, सर इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जा। तो आपने सुना यहाँ पर नायब सिंह सैनी को लेकर के और तमाम जिस तरीके से फैसले किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा, उसको लेकर अनिल विज, उन्होंने कहा है कि मैं सीनियर लीडर हूँ, 6 बार यहाँ पर विधायक बना हूँ, अम्बाला कैंट मेरी कर्म भूमि रही है और लगातार लोगों की सेवा करता रहा हूँ, संगठन की भी सेवा करता रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसला था ये मेरे लिए आघात पहुंचाने वाला था। यानी कि जिस तरीके से जो तमाम चुनावी समीकरण इस वक्त बन रहे हैं हरियाणा में, जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर फरवरी महीने तक ये कहती हुई नजर आ रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, तो क्या आखिरकार अब उनको झटका लगने वाला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब लगातार घेरने को जुटी हुई है। वर्तमान में हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में हिसार सीट से जो ब्रजेंद्र सिंह अपने पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की लेगेसी के दम पर जीत करके आए थे, वे अब कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी ये कोशिशें कर रही है कि श्रुति चौधरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भिवानी महेंद्रगढ़ से भी जबरदस्त फायदा मिल सकता है। रोहतक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और हुड्डा का गढ़ माने जाने वाली रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं हिसार सीट अब काफी पेचीदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां दुष्यंत सिंह चौटाला जेजेपी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके दादा रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है, जबकि ब्रजेंद्र सिंह जो वर्तमान में सांसद है उनको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी जो है मजबूत स्थिति देख रही है और चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को साइडलाइन करने के लिए ये फैसला लिया है, लोकसभा चुनाव में इस फैसले से उन्हें कितना लाभ मिलेगा या फिर इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।